ये स्टूडेंट्स लेट अस्ट स्टडी अ फ्यू अदर फॉर्म कंट्रोल एट टाइम्स आपने देखा होगा कि हम लोगों को कोई फाइल्स अपलोड करनी पड़ती हैं एक फॉर्म के थ्रू या एक वेबसाइट पे तो उसके लिए हम लोग फाइल कंट्रोल यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग इनपुट टाइप इनपुट का एलिमेंट यूज़ करते हैं और उसके अंदर टाइप जो है वो फाइल मैंशन कर देते हैं और साथ हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये इसका नेम जो है वो क्या है इनफैक्ट हर इनपुट कंट्रोल के अंदर नेम स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है और फिर इसके अंदर जो जब आप फाइल के लिए कंट्रोल ऐड कर रहे हैं तो आपने फ़ॉर्म का जो एलिमेंट है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है इनकोडिंग टाइप का ई टाइप और उसके अंदर आपने जो वैल्यू यूज़ करनी है वो मल्टी पार्ट स्लेश फॉम डाटा ये वैल्यू आपने यूज़ करनी है तो इससे आपके पास क्या होगा द यूज़र वुड बी एबल टू अपलोड अ फाइल टू द वेब सर्वर कुछ कंट्रोल्स हम लोग यूज़ करते हैं नंबर्स देने के लिए या एक स्पेसिफ़िक रेंज के अंदर कोई वैल्यू देने के लिए तो जिस तरह अगर हम लोगों ने कोई नंबर देना है तो उसके लिए हम लोग इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं इससे क्या होगा हमारे पास इस तरह का एक कंट्रोल नज़र आ जाएगा जिसके साथ आपको दो छोटे से अप और डाउन के बटनस नज़र आएंगे अगर आप इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज स्पेसिफाई कर देते हैं तो फिर आपके पास यूज़र जो है जब ये अप डाउन बटनस को क्लिक करेगा तो आपके पास इस रेंज के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर सकेगा इसी तरह अगर आप स्लाइडर्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जहाँ पे जैसे आपने यूज़र से उसका हैप्पीनेस का लेवल लेना है या उससे कोई रेटिंग लेनी है तो आप उसके लिए टाइप इज इक्वल टू रेंज यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर आप मिनिमम और मैक्सिमम रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि जो स्लाइड जब कर रहे हो तो उसके अंदर जंप जो है वो कितने स्टेप्स का हो जैसा अगर आप तो स्टेप right तो वन कर देते हैं तो लेफ़्ट मोस्ट वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी उसे थोड़ा सा राइट साइड पे जाएंगे तो वो वन हो जाएगी अगर आप स्टेप जो है वो टू कर देते हैं तो लेफ़्ट मोस्ट वैल्यू ज़ीरो होगी जब उसे राइट साइड पर लेके जाएंगे तो वैल्यू जो है वो आपके पास टू सेलेक्ट हो जाएगी अगर यूज़र के पास जो ब्राउज़र है इट इज़ एन ओल्ड ब्राउज़र इट डज़ नॉट सपोर्ट दीज न्यू कंट्रोल्स तो उसको इन इनपुट टाइप्स के अगेंस्ट टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आ जाएंगे जहाँ पे वो वैल्यूज़ को जो है वो खुद से टाइप कर सकता है एच टी एम एल फाइव के अंदर आपके पास कलर कंट्रोल्स भी हैं जिसके अंदर आप यूज़र से कोई कलर एज इनपुट ले सकते हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर स्पेसिफाई कर देंगे इससे आपके पास क्या होगा यूज़र जब इसको क्लिक करेगा कंट्रोल को तो उसके पास एक कलर्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा अब ये डायलॉग बॉक्स किस तरह का होगा यह आपके पास मुख्तु ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर मुख्य तरीके से आपको नजर आएगा जैसे आप विंडो पे ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नजर आ जाएगी अगर आप इसे लिनिक्स पे ओपन करेंगे तो एक डिफरेंट आपके पास कलर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और मैक पे आपको किसी और तरह का डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा लेकिन ऑल दिस डायलॉग बॉक्सिस सपोर्ट द यूजर टू सेलेक्ट अ कलर एंड गिव अ कलर एज एन इनपुट अगेन अगर ये कंट्रोल सपोर्टेड नहीं है ब्राउज़र के अंदर तो वहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड नज़र आ जाएगी अगर आप यूज़र से डेट या मंथ या वीक या टाइम इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मुख्त कंट्रोल्स हैं जैसे अगर आपने डेट इनपुट लेनी है तो आपके पास इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू डेट आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर क्या होगा यूज़र जब इसको क्लिक करेगा तो आपके उसको एक कैलेंडर टाइप डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा जिसके अंदर से वो प्रोपरीट डेट जो है वो सेलेक्ट कर सकता है अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये डायलॉग बॉक्स डिफरेंट टाइप का होगा डिफरेंट किस्म का हो सकता है लेकिन ऑल द बॉक्सेस बज सपोर्ट इनपुटिंग एन अ डेट अगर आप इनपुट टाइप इज टू टाइम दे देते हैं तो यूज़र के पास एक टाइम इनपुट का कंट्रोल नज़र आ जाएगा अगर डेट टाइम दे देते हैं तो उसके पास डेट जिसको क्लिक करेगा तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स नज़र आ जाएगा और फिर टाइम uh, और फिर उसके साथ आपके पास जो टाइम जोन है वो नज़र आ रहा होगा अगर आप चाहते हैं टाइम जोन ना नजर आए जो यूज़र का आपके पास लोकल टाइम ज़ोन है उसके अंदर वो डेट और टाइम एंटर करे तो फिर आप डेट टाइम लोकल का एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज़ करेंगे टाइप के अंदर उससे यह कि टाइम जोन जो है वो आपके पास लोकल टाइम जोन यूज़ होगा डे टाइम कंट्रोल्स के अंदर आप टाइप इज इक्वल टू मंथ कर देंगे तो यूज़र एक मंथ सेलेक्ट कर सकता है अगर टाइप इज इक्वल टू वीक कर देंगे तो यूज़र एक स्पेसिफिक वीक को जो है वो ईयर में से सेलेक्ट कर सकता है एच टी एम एल के अंदर बहुत से हमारे पास एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज एलिमेंट्स uh, हैं जो एक्सेसिबिलिटी के लिए हैं एंड एज ए सेड इन अर्लीयर मॉड्यूल्स दैट देर आर सम स्पेशल यूजर्स और देर आर यूजर्स विद समपेशल नीड्स विच कैन नाट विजली सी द वेब पेज राइट तो आपने उनके लिए फिर एक्सेसिबल एलिमेंट्स को यूज़ करना है जिस तरह फॉर्म के अंदर आपके पास एक्सेसिबल तो एलिमेंट्स कौन से होंगे लेबल का एलिमेंट आपने देखा था जो आपके डिस्क्राइब करता है कि ये इनपुट टाइप किस चीज़ के लिए तो आप उसके अंदर आप फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और आगे आप उसकी कोई एक वैल्यू दे देंगे जिस तरह यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि दिस लेबल इज़ फॉर एफ टाइटल और जब आप इनपुट टाइप डिफाइन कर रहे हैं कोई भी वो टाइप है उसके लिए आपने आईडी वही यूज़ कर लेनी है जो आपने लेबल के अंदर यूज़ किया है तो दि, दिस मट मस्ट बी द सेम थिंग ना इससे होगा क्या कि जो ब्राउज़र है या जो स्क्रीन रीडर है या स्क्रीन इंटरप्रेटर है उससे पता चल जाएगा कि ये जो लेबल है ये इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए है जिस तरह यहाँ पे अगर आप एक और लेबल यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए उसके लिए फॉर इक्वल टू एफ़ कंट्री कर देते हैं तो आपके पास अगर आपने सेलेक्ट के अंदर आई डी को टू एफ कंट्री लिखा हुआ है, तो ये पता चल जाएगा कि ये जो कंट्री का आपके पास लेबल है दिस इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन लिस्ट